हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम लकी सिंह। सो आज मैं आप लोगों को मेहंदी के कुछ बेसिक डिजाइंस बनाना सिखाऊंगी, उसके बारे में कुछ बताऊंगी। अभी आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि बेसिक डिजाइंस को कैसे बनाना सीखें, या फिर जैसे आपको अगर नहीं आता है तो उस चीज़ को कैसे सीखा जाए, या मेहंदी स्टार्टिंग से हम कैसे सीख सकते हैं बनाना या लगाना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ जो है वो है कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, क्योंकि अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिज़ाइंस आपके माइंड में नहीं रहेंगे। इसके लिए वैसे मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, पेजेस पे, नोटबुक पे कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, जस्ट बिकॉज मेरी ड्राइंग अच्छी है इसलिए मेरे को खुद ही आ गई। तो मैं उसके लिए डायरेक्टली मैंने कीप से ही मेहंदी की से ही मैंने प्रैक्टिस की है। बट आप लोगों को अगर सीखना है बेसिक तरीके से तो आपको पेज पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम पेज पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड में सारे डिज़ाइंस रहेंगे और आपको वो डिज़ाइन कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो तरीके भी आपको बताए जाएंगे। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में मेरी कुछ मेहंदी की डिज़ाइंस दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले कि आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, एक पेंसिल, रेजर और सबिन। ओके, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर कोशिश करें कि आपको सीधी लाइन लगाने के लिए स्केल की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, पेज पे ही बनाएं, कम से कम एक हफ्ते तक उस पे फाइल पे ही आप लोग प्रैक्टिस करें डिज़ाइन बनाने की, नए नए डिज़ाइंस बनाएं, नई नई चीज़ें, कहीं से भी कोई भी डिज़ाइन उठा सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मेहंदी की बुक में से ही आप वो चीज़ लें, कहीं से भी उठा सकते, किसी कपड़े पे है, किसी आपके कोई से टॉप पे कोई डिज़ाइन है, या मम्मी की साड़ीज पे है, या कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी कोई भी डिज़ाइन उठा सकते हैं। जैसे कोई फ्लावर हो गया है, या साड़ीज़ के बॉर्डर पे भी होता है कई बार डिज़ाइन, तो उस डिज़ाइन को भी हम बना सकते हैं मेहंदी के अंदर। तो कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी उठा सकते हैं, बट वो उसके लिए माइंड का थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो डिज़ाइंस आपके माइंड में नहीं आएंगे या इस तरह के कुछ आइडियाज़ नहीं आएंगे तो हम मेहंदी नहीं बना सकते कुछ अलग तरीके की। ठीक है, तो आज मैं बेसिक चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जब तक हम स्टार्टिंग से नहीं पता चलेगा कि हम कैसे बनाएंगे, सीधा डायरेक्टली आप कीप लेके बैठ जाते हो, और मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि माइंड में जब डिज़ाइन ही नहीं है तो आप कैसे लगाओगे, तो वो गलत ही होता जाएगा, गलत गलत डिज़ाइन बनेंगे, अच्छे डिज़ाइंस नहीं बनेंगे। और मेहंदी को कीप को कैसे पकड़ा जाता है, कीप को चलाने का तरीका, या फिर मतलब कि डिज़ाइन आपके माइंड में याद रखने का तरीका, ये सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले हमको यही करना है कि हमें एक नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर डेली एक से एक या दो डिज़ाइन आप बना के देखिए, उसको खुद के माइंड से बनाएं, कहीं से देखिए मत, जो आपके माइंड में है पहले वही चीज़ आप बनाएं। उसके बाद फिर आप कहीं से नोटिस कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी साड़ी वगैरह के बॉर्डर से, या साड़ी के ऊपर प्रिंटेड साड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, कुछ अलग तरीके के डिज़ाइन होते हैं, पता नहीं बहुत सारी आ चुकी हैं आजकल, तो इसलिए आप उसमें से देख सकते हैं, इसलिए आप उसमें से देखें और उसको बनाने की कोशिश करें पेजेज पे। पहले आप उसको पेज पे ही बनाएं, उसको बार बार कोशिश करें बनाने की। फिर अब ये भी देखना होता है कि भाई वो डिज़ाइन कौन से डिज़ाइन के साथ सूट करें, कौन से डिज़ाइन के साथ अच्छा लगेगा, तो उसके लिए भी आपको जब तक आप पेज पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए आप ज़रूर करिए। और अगर इससे अच्छी चीज़ें आपको जाननी हैं और अच्छा बेटर जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिज़ाइंस बना के दिखाएंगे, और अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ मेहंदी के डिज़ाइंस आपको दिखा दूँगी। Okay.